देर हो ये भारत को स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। विमेन लेड डेवलपमेंट राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। सपने भी बड़े हैं और तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया। आगे G20 के और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हूं। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया। G20 के सम्मेलन को सफल बनाए, देश का मान बढ़ाए। मेरे परिवारजनों, मन की बात मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता, असम का रहने वाला एथलेटिक्स में मेडल जीता है। यूपी की रहने मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, वहाँ कोई जात, कोई मजहब, कोई रिलीजियस बीच में नहीं आता है, बल्कि हिंदुस्तान का वासी, हिंदुस्तान का बाशिंदा, वो चाहे देश के किसी कोने में रहता है, उनके लिए हमारी सरकार सोचती है, उनके लिए हमारा प्रधानमंत्री जी सोच रहा। आपने खुद देखा मन की बात में किस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया गया और देश की उन्नति के भी बारे में बात की गई। अपोजिशन का काम होता है, अगर अपोजिशन नहीं होगी तो मजहबी पॉलिटिक्स में कहां से आएगा। अपोजिशन जो बोलेगी तो हम मुतरादिफ करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे, और अपोजिशन होना चाहिए तभी तो। जब आप तनकीद बराए तामीर होता है, अपोजिशन उसको हम गिला नहीं करेंगे, उनको हम और कहेंगे आप अपोजिशन करते रहिए, हम काम करते रहेंगे, इसलिए हमें अपोजिशन से कोई गिला नहीं। फाइनली बेनती जमा मुबारक हो जी, खासकर SSB डिस्ट्रिक्ट पुलवामी सिक्योरिटी फोर मुबारक हो जी, डिप्टी कमिश्नर मुबारक हो जी। पे बेन क्या गुजारी जिस तोग्राम सो मीडिया ये बाखूबी ये वाकफ मे बे पुन गलाकस मे पुन हल्कस मज भारतीय जनता पार्टी पोग्राम इवन मीडिया ये जल्दी हम पे डेट ये शरीफ संगठन मंत्री श्री अशोक कोल जी बोर्ड बार कन्वेंशन पुलवाम डिस्ट्रिक पुलवाम मे तथ मे पांच हथ लूक तथ मे कोल अपने आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ उस प्रोग्राम के लिए आज राजपोरा में यहाँ पे बैठी हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ आप सब जो अपने प्रधानमंत्री जी से मोहब्बत रखते हैं वो आए, और इस कदर क्योंकि मैं भी आप में से ही हूँ। हमने सबों ने मन की बात सुनी और बहुत जोशो खरोश से सुनी, ये हमारे लिए खुशायन बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे तमाम यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रेसिडेंट्स और तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप दिलो जान से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ और कदम ब कदम अपने संगठन के साथ चल रहे हैं।